अखंड परिवार का राज। जापान के सबसे बड़े परिवार की ये कहानी आपको पसंद तो आएगी ही, साथ ही साथ आपको कुछ ऐसा अमूल्य पाठ सिखा जाएगी जिसे अपने जीवन में लागू करने से आप अपने परिवार को बिखरने से हमेशा बचा पाएंगे। चलिए जानते हैं क्या है कहानी। जापान में एक सबसे बड़ा परिवार जिसके सदस्यों की संख्या 1000 के आसपास थी, अपनी एकता और अखंडता के लिए जाना जाता था। लोग उनकी मिसालें दिया करते थे कि परिवार हो तो ऐसा। प्रख्यात इस परिवार के बारे में जानकर उस वक्त के राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा को लगा कि इतने ज़्यादा लोग, वो भी बिना झगड़ों और बिना मनमुटावों के कभी रह ही नहीं सकते। जरूर इस परिवार की अखंडता के बारे में सारी अफवाहें होंगी। फिर भी लोगों से राजा ने उनके बारे में इतनी ज़्यादा तारीफें सुनी थी कि अब राजा का मन इस बात की सच्चाई जानने के लिए विचलित हो गया। राजा एक दिन परिवार से मिलने उनके घर पहुंच गया। राजा जब परिवार के सदस्यों से मिला तो सबके चेहरों पर चमक और खुशी थी। राजा इस परिवार के मुखिया, जो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे और बोलने में भी असमर्थ थे, उनसे बोले, मैंने आपके परिवार की खुशी और एकता तो देख ली, अब आप बताइए ये सब इतने बड़े परिवार में कैसे मुमकिन हो पाया, इसका राज क्या है। बूढ़ा मुखिया, जो बोल नहीं पा रहा था, उसने थरथराते हाथों से एक कागज़ में कुछ लिखा और राजा को दिया। राजा ने जब उस कागज़ को पढ़ा तब उसमें सिर्फ एक ही शब्द लिखा हुआ था, सहनशीलता। मुखिया के बड़े बेटे ने राजा से कहा, उनके पिता ने घर के हर एक सदस्य को सहनशीलता का पाठ पढ़ाया है। उनके हिसाब से सहनशीलता जहाँ होती है वहाँ क्रोध नहीं पनपता, जहाँ क्रोध नहीं होता वहाँ मनमुटाव नहीं होते, और जहाँ मनमुटाव नहीं होते वहाँ बिखराव नहीं होता। तो दोस्तों, अपने छोटों को, अपने बच्चों को सहनशीलता का पाठ अवश्य पढ़ाए और खुद भी जीवन में सहनशीलता लाए। सहनशीलता ही आपके परिवार को बिखरने से रोक सकती है। तो ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और लाइक का बटन दबाना ना भूलें।